हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको 411 के ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं। इसमें मैंने कॉइल को सेपरेशन करके डाला है। ये 6 कॉइल टाइप हैं, दो नीचे के दो और इसमें ऊपर के दो नॉर्मल कॉइल हैं और ये हमारे सेंटर टेप दो हैं। इनको हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि हमारे ऊपर जो दो कॉइल हैं, 6 कॉइल टाइप है, इनका जो एंड टर्मिनल होता है वो आगे वाली कॉइल के एंड टर्मिनल के साथ और उस कॉइल का स्टार्ट टर्मिनल आगे वाली कॉइल के स्टार्ट टर्मिनल के साथ। इसके लिए हमारे को ये एक साइड से उल्टी, एक दूसरी कॉइल सीधी डालनी पड़ती है और एंड वाले टर्मिनल हमारे देखिए स्टार्ट दोनों साइड हमारे को मिल जाते हैं, जिससे कि ये पूरा लिंब बन जाता है और हम इसके पोल कनेक्शन करते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टू एंड हर एक कॉइल के। अब हमारे सभी कॉइल्स के पोल कनेक्शन हो चुके हैं, जो कि हमने कॉइल्स को एंड टू एंड और स्टार्ट टू स्टार्ट करके लगाए थे, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं और हमने इसमें फ्लक्स लगा दिया है। अब हम इसको सोल्डर करेंगे, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एक टेपिंग कॉइल के तीन टर्मिनल निकलते हैं। एक होता है इसका ये स्टार्ट टर्मिनल और ये फर्स्ट टैपिंग है इसकी, जो फर्स्ट टैपिंग निकाली है स्टार्ट की साइड से, और ये इसकी सेटिंग सेकंड टैपिंग होती है, ठीक है। और दूसरे कॉइल का भी यही होता है कि ये एक स्टार्ट टर्मिनल होता है, ये दूसरी टैपिंग, ये तीसरी टैपिंग। इसके अकॉर्डिंग हम इनको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ टैपिंग स्विच के सभी टर्मिनल। ये फर्स्ट लिम्ब का है, ये दूसरे लिम्ब के यहाँ जुड़ेंगे, तीसरे लिम्ब के यहाँ जुड़ेंगे, इसी तरह ये दूसरे लिम्ब के भी हैं यहाँ पे। ये स्टार्टिंग टर्मिनल, ये फर्स्ट टैपिंग, ये सेकंड टैपिंग, और वैसे ही नीचे वाले कॉइल के, दूसरे कॉइल के, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड और ये थर्ड, वैसे ही थर्ड लिम्ब के ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट टेप, ये सेकंड टेप। फ्रेंड्स, हमने इसको टैपिंग स्विच हटा के इसको फिक्स्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 422 के ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को हमने नॉर्मल ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर दिए हैं तीनों साइड के। इसमें हमने जो सेंटर टेप की दो कॉइलें हैं, इनमें हमने इनके एंड के टर्मिनल्स जो हमारे टैपिंग के निकले हैं उनको शॉर्ट कर दिया है, बाकी सभी को आपस में जोड़ दिया है। इससे हमारा ये ट्रांसफार्मर नॉर्मल वर्किंग करेगा। अब इसके कनेक्शन हो चुके हैं, हमने इसमें अब सोल्डरिंग से इसके जॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर टोटल तैयार हो चुका है। ले जाओ यहाँ से, दूध ले जाओ।